तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोई भी रैंडम लोग का नेटफ्लिक्स शेयर नहीं करना चाहिए। उसके अंदर एक लड़की थी जो हमेशा ऑफिस जाती थी। कहते थे जब एक दिन वो ऑफिस जा रही थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो नेटफ्लिक्स देख सके, और उसके बॉस ने बोला था कि नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है उससे इंस्पायरेशन लेके हमारे को एक काम करना है। वो लड़की बोली मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं है। तो एक नवा लड़का ज्वाइन हुआ था, उसने बोला था आप मेरा नेटफ्लिक्स यूज कर सकते। घर पे गई और उसने ना नेटफ्लिक्स का लॉग इन आईडी पासवर्ड लिखी, और ना वो लॉग इन आईडी पासवर्ड के बाद सिर्फ एक ही मूवी आ रही थी नेटफ्लिक्स पे। मूवी का नाम एकदम अलग था, सिर्फ नंबर्स लिखे लेते। बोली चलो देखते हुए ये क्या। उसने जैसे वो प्ले की सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी और 5 मिनट बाद ही उसको नींद आ गई। कहते जब वो नींद से उठी सुबह उसने देखी कि वो पिक्चर अभी भी चल रही थी, 5-6 घंटे हो गए। उसने टीवी को बंद की, फिर से सो गए और फिर उठ के गई और बोली चलो मैं ऑफिस में जाके उससे बात करती हूँ वो कौन था। और जैसे ऑफिस में गई तो बॉस ने बोला वो लड़का तो कल ही मेरे को रेजिग्नेशन दे दिया जब सब चले गए थे। कितनी शॉक हो गई कि वो लड़के को ढूंढने लगी लेकिन वो मिला नहीं उसके बाद उसको।